तो हेलो फ्रेंड्स, सोल्जर फिटनेस क्लब में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अनिल कुमार और इस वीडियो में हम लोग गाइज पोस्चर को कैसे ठीक किया जाए ये डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, बहुत सारे लोग जो हैं उनका पोस्चर जो है आगे की ओर झुकने लगता है, जिसके कारण कि गाइज उनका ग्रोथ जो है वह डिक्रीज होने लगता है। सो चलिए गाइज, इस वीडियो हम लोग पोस्चर को कैसे ठीक किया जाता है 5 एक्सरसाइज के माध्यम से जानेंगे। सो गाइज, हमारा जो फर्स्ट साइज है वह है चाइल्ड्स पोज। सो गाइज, चाइल्ड्स पोज जो है रेस्टिंग पोजिशन के होने की वजह से गाइज यह हमारे स्पाइन, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स का लेंथ इंक्रीज करता है, साथ ही साथ गाइज ये मसल्स को स्ट्रेच भी करता है। इसके बाद गाइज इस साइज को हम लोग टेंशन को रिलीज करने के लिए परफॉर्म करते हैं। मेनली गाइज जब हमारा पोस्चर गड़बड़ हो जाता है तब हमारे लोअर बैक और नेक में एक पेन महसूस होती है। तो गाइज यह एक्सरसाइज उसमें भी काफ़ी कारीगर सिद्ध होती है। सो चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं चाइल्ड्स पोज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो गाइज, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। इस पोजीशन में बैठने के बाद गाइज आपको दोनों हाथों को आगे की ओर इस प्रकार से ले जाना है। इस प्रकार से लाने के बाद गाइज आपको अपना हेड को घुटनों में सटाना है, कुछ इस प्रकार से। और गाइज 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। तो काउंट फॉर 10 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन कम बैक। सो गाइज, इस प्रकार से इस साइज को 10 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करने के बाद आपको लगाने इसके कुल 3 रिपीटेशन। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट साइज है वह फॉरवर्ड फोल्ड। सो गाइज, फॉरवर्ड फोल्ड को हम लोग उत्तन आसन के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज, यह हमारे स्पाइन, लेग्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स मसल को स्ट्रेच करने का काम करता है। उसके बाद यह हमारे बैक का लेंथ को भी इंक्रीज करती है और गाइज यह हमारे बैक को ओपन करती है। सो चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड फोल्ड यानी उत्तन आसन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो गाइस, उत्तन आसन को परफॉर्म करने के लिए आपको नॉर्मल पोजीशन में खड़ा होना है, कुछ इस प्रकार से। नॉर्मल पोजीशन में खड़ा होने के बाद गाइस आपको कुछ इस प्रकार से आगे की ओर झुकना है। गाइस, इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 10 सेकंड्स के लिए परफॉर्म करेंगे। सो काउंट फॉर 10 सेकंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन कम बैक। सो गाइज, उत्तन आसन को 10 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करने के बाद आपको लगाने इसके कुल 3 रिपीटेशन। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट साइज है वह है चेस्ट ओपनर। सो गाइज, चेस्ट ओपनर जो है वह हमारे चेस्ट मसल्स को ओपन करती है। उसके बाद गाइज यह हमारे बैक को स्ट्रेच करती है, जिसके कारण कि गाइज हम लोग स्ट्रेट खड़ा हो पाते हैं। सो चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं चेस्ट ओपनर को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो गाइज, चेस्ट ओपनर को परफॉर्म करने के लिए आपको नॉर्मल पोजीशन में कुछ इस प्रकार से खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद गाइज आपको कुछ इस प्रकार से दोनों हाथों को पीछे की ओर धकेलना है। सो गाइज, इस प्रकार से हम लोग इस साइज को 11 परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स कम फॉर 11, सो 1 एंड देन कम बैक, 2 एंड देन कम बैक, 3 एंड देन कम बैक, 4 एंड देन कम बैक, 5 एंड देन कम बैक, 6 एंड देन कम बैक, 7 एंड देन कम बैक, 8 एंड देन कम बैक, 9 एंड देन कम बैक, 10 एंड देन कम बैक, 11 एंड देन कम बैक। इस प्रकार से इस साइज को 11 परफॉर्म करने के बाद आपको लगाना है इसके कुल 3 रिपीटेशन। बाद हमारा जो नेक्स्ट साइज है वह है प्लैंक। सो गाइज, प्लैंक जो है वन ऑफ द बेस्ट साइज है हमारे होल बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइज, जब भी हम प्लैंक परफॉर्म करते हैं सो हमारे बॉडी में एक एबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण कि गाइज हम अपने बॉडी का वेट आसानी से उठा पाते हैं। और गाइज, चूंकि यह एक कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है सो गाइज हमारे बैक को भी यह एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सो चलिए गाइज, हम लोग देखते हैं प्लैंक को कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो गाइज, प्लैंक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको पुशअप के पोजीशन में आ जाना है, कुछ इस प्रकार से। पुशअप के पोजीशन में आने के बाद गाइज आपको कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर आने के बाद गाइज आपको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। सो काउंट फॉर 10 सेकंड्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन कम बैक। सो गाइज, इस प्रकार से 10 सेकेंड्स के लिए प्लैंक को परफॉर्म करने के बाद
आपको इसके लगा रहे हैं कुल 3 रेपिटेशन। हमारा जो लास्ट साइज है वह है ग्लूट स्क्वीज। सो गाइज ग्लूट स्क्वीज जो है वह हमारे ग्लूट मसल्स को काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद गाइज यह हमारे लोअर बैक का पेन को भी रिलीफ प्रोवाइड करती है। यह हमारे हिप्स मसल्स का अलाइनमेंट को इम्प्रूव करती है, जिसके कारण कि गाइज हमें एक बेहतर पोस्चर देखने को मिलता है। सो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं ग्लूट स्क्वीज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ग्लूट स्क्वीज को परफॉर्म करने के लिए पहले आपको स्लीपिंग वे में आ जाना है। स्लीपिंग वे में आने के बाद गाइज आपको कुछ इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को आगे और पीछे की ओर करना है। सो गाइज इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज को 11 परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स काउंट फॉर 11। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and then 11। सो गाइज इस प्रकार से इस साइज को 11 परफॉर्म करने के बाद आपको इसके लगाने कुल 3 रेपिटेशन। सो गाइज ये थी कुल 5 साइजेज जो कि हमारे पोस्चर को फिक्स करती है। सो गाइज आपको इन साइजेज को रेगुलर बेसिस पर करना है। सो गाइज आपको 30 दिनों में ही फिर लाभ देखने को मिलेगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी तरह का फिटनेस रिलेटेड वीडियो लेकर के। तब तक गाइज आप सोजर फिटनेस क्लब में बने रहो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके।